ज्वालामुखी योग बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ज्वाला में अग्नि में जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाती है। इसी रीति से बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग यानी लाइट हाउस माइट हाउस बन करके और सभी को ऐसी सकाश दो जो उनों के अंदर भी जो कुछ कमी हो वो परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आजकल के संसार में मेजॉरिटी सभी यही चाहते हैं अभी विश्व का कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये बहुत दुख बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, अभी कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन करने वाला कौन? तो बाबा ने हम लोगों को निमित्त बनाया है विश्व का परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए बाबा आजकल ये ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो ज्वालामुखी योग से जैसे कहा होता है कि कोई भी बीज है, अगर बीज को आप आग में डाल देंगे तो बीज का जो फल है वो नहीं निकलेगा। तो ये आजकल विकारों का जो बीज है उसका फल है दुख और अशांति। अगर उस बीज को हम ज्वालामुखी योग द्वारा ख़त्म कर दें तो वो फिर दुख और अशांति का बीज पैदा ही नहीं होगा। इसी रीति से बाबा कहते हैं तो इस ऐसी ज्वालामुखी योग करो जो ये विकारों का जो बीज है एकदम विकराल रूप ले रहा है वो भस्म हो जाए, और अपना भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई भी विकार का अंश रहा हो जो अभी तक भी पुरुषार्थ में कभी बीच बीच में इमर्ज होता है, तो उसके लिए भी ज्वालामुखी योग से अपनी भी उन्नति होती है। जो भी कोई पुराने संस्कार ज़रा भी रहा हुआ है वो ज्वालामुखी योग से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और अवगुण विकार के बदले जो गुणों की धारणा हो जाती है वो जैसे हम गुणों के बगीचा बन जाते हैं, गुणों का गुलदस्ता बन जाते हैं। अपने को भी फायदा है, दूसरों को भी।